विधायक नरेंद्र ठाकुर की अगुवाई में हमीरपुर के हीरानगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब की चिन्नी सरकार का पुतला जलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में हमीरपुर के भाजपा नेताओं ने पंजाब सरकार को जिम्मेदार करार देते हुए ये काम किया। पुतला जलाने के साथ ही भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और इस मामले में उनकी कड़ी आलोचना भी की। इस दौरान मंडल अध्यक्ष रमेश वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय रिंटू भी मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में पूरी तरह से पंजाब सरकार जिम्मेदार है। पंजाब सरकार और कांग्रेस की ये घटिया और शर्मनाक हरकत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का ये दायित्व होता है कि जब प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर आ रहे हों तो राज्य सरकार उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। पंजाब सरकार ने कोताही बरतते हुए गैर जिम्मेदाराना सरकार का उदाहरण दिया है। मामले में कार्रवाई करने के बजाय पंजाब सरकार और कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। उन्होंने कहा कि कायदे से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कभी भी इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। प्रतिष्ठा का सवाल है। हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने फिरोजपुर में रैली रखी थी और किस ढंग से उनके काफिले को रोका गया। 15-20 मिनट तक वो सड़क में खड़े रहे और उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। ये बहुत गलत किया है और जैसे हमें आंकड़े मिल रहे हैं उसमें पंजाब सरकार को अब पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो एक देश का प्रधानमंत्री का काफिला उसी देश के किसी स्टेट में रोका जाए तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है। और ये जो पंजाब में जो कांग्रेस सरकार है, इनका बहुत ही घटिया जो इन्होंने काम किया है, हमने उसके विरोध में पंजाब सरकार का उसके मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है। और ताकि वो भी ये समझ लें कि पूरा देश जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और जो हमने जो वहाँ पे काम किया है उसकी कड़ी आलोचना होनी चाहिए। और उनका काम जो किया है वो बहुत ही गलत और शर्मनाक है, इसलिए हमने उनका पुतला।